वजह से हमको लाइव आके समाज के सामने आके कुछ बताना पड़ रहा है। एक ही मेरा सिर्फ एक ही पूरे गुजर समाज को और खास करके युवा वर्ग को, जो युवा गुजर है, जो इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, मीर भोजी के लिए लड़ रहे हैं, पृथ्वीराज जी चौहान गुजर सम्राट के लड़ रहे हैं, सबको एक ही मैसेज देना चाहूंगा, गुजरो कभी भी इस समाज के लागे मत आना, कभी भी मत लड़ने समाज के लिए, कभी भी ये मत सोचना कि समाज के लिए आप लड़ोगे और समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, कभी भी मत आना भाई भाई लोगों, क्योंकि सुनने में आया है कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है समाज ने और प्रशासन ने मिलकर। अब मुकदमा इसलिए दर्ज करवाया है क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैंने काले झंडे दिखाए या फिर मैंने बोतल फेंकी या फिर हमने चप्पल जूते उछाले। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम पे मुकदमे क्यों दर्ज कराए, किसलिए दर्ज कराया आप लोगों ने हम पे मुकदमे? क्योंकि हम 2 दिन से गुजर सम्राट मीर भोज जी का झंडा लहरा रहे थे, इसलिए 2 दिन से पूरे अजमेर के गुजर समाज को और समस्त गुजर समाज वहां मौजूद था उसको पता है कि हमने वहां पे गुजर सम्राट मीर भोज जी के झंडे लहराए हैं। इसमें क्या गलत किया? किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई क्या? किसी को दिक्कत हो रही है क्या गुजर सम्राट मीर भोज जी के झंडे से? हमको 2 बार रोका गया, बहुत बार कहा गया कि झंडे को नीचे कर लो, लेकिन मतलब झंडे से क्या दिक्कत है यार, मीर भोज जी से क्या दिक्कत है? और क्यों हम पे मुकदमा दर्ज करवाया? क्योंकि हम कर्नल साहब जी को पूछते हैं, हम भगवान मानते कर्नल साहब जी को, उनके अस्थि विसर्जन प्रोग्राम के अंदर जब कुछ लोग उत्पात मचा रहे थे और हम उनको छुड़ा रहे थे, हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारे वीडियो के अंदर आप समझ जाओगे हम